हेलो डॉक्टर सिंह पैंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज विष्णुकांत सिंह, वेलकम टू ऑल इन एडमिशन मीडिया। एज आई वाज ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो इन द आफ्टरनून, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि एग्जामिनेशन के एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि जुलाई एंड के पहले आपका एग्जाम कर लिया जाएगा। 7th of July वॉज टोटली अ फेक न्यूज, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंशन किया है कि क्यों 7th of July को एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। एंड इवन प्रीपॉन्ड, जो पहले ऑलरेडी आपका ऑफिशियल डेट 7th of July ही था, बट उसको प्रीपॉन करके 23rd June किया गया था। द मेन रीजन, उसमें से जो वैलिड पॉइंट हो सकता है या जो बड़ा रीजन हो सकता है, वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दिया है। इवन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे काउंसलिंग डेट एज वेल एज रिजल्ट डेट की भी बात की। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। ऑफिशियल न्यूजेस की मैं बात करूं तो ऑलरेडी आपकी NBMS के जो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर मीनू जोशी जी ने, उन्होंने भी क्लियरली ये स्टेट किया। उनकी वीडियो क्लिप भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में पेस्ट कर दूंगा, आप देख सकते हो। ही इज क्लियरली सेइंग कि आपका एग्जामिनेशन विद इन अ मंथ करा लेंगे। वी ऑलरेडी नो विद इन अ मंथ मतलब क्या होता है। जुलाई एंड के पहले मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। फर्स्ट और सेकेंड वीक में चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सो बहुत कम चांसेस रहेंगे। सेंटर के लिए भी ऑलरेडी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि दे आर ट्राइंग फॉर द सेम सेंटर्स, बट आपको सिटीज में थोड़े बहुत, मतलब पुणे के जो ए मिले थे तो आपको बी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको उसके लिए कुछ एडिट के ऑप्शन आने के चांसेस अभी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते जा रहे हैं। सेंटर सेम रहेंगे बट एडमिट कार्ड चेंज होकर आएगा, एडमिट कार्ड नया इशू होगा आपके लिए। सो वेट फॉर दोज डिटेल्स एंड एप्लीकेशन। एज वेल एज नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो ऑलरेडी इस वीक के एंड तक आपको नोटिफिकेशन, ऑफिशियल डेट और सारी क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन पे फोकस करते रहिए। यू आर ऑलरेडी इन द फ्लो, सो कीप गोइंग विद डैट। एंड अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो जुलाई के पहले आपका एग्जामिनेशन, जुलाई एंड से पहले आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। रिजल्ट और काउंसलिंग डेट प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया है, आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो के बाद जो आपको क्लिप मिलेगी उसको आप देख के ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कैरी आउट कर सकते हो। टेलीग्राम और बाकी चीजें ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जो भी चीजों पे हम वीडियो नहीं बना पाते हैं वो कंटिन्यूअसली वहां पे पोस्ट करते रहते हैं। सो फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन आप ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जिस दिन पोस्टपोनमेंट हुआ था ऑन द वेरी सेम डे वी हैव सेड दैट एग्जामिनेशन विल बी इन द जुलाई एंड। एंड अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी उसी की तरफ कंटिन्यूअसली सारे कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन आपका जुलाई एंड तक होने के चांसेस 100% रहेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू अपकमिंग डेज, दैट इज PG24 एग्जामिनेशन। थैंक यू। नंबर टू, कितनी जल्दी ये एग्जाम कराया जा सकता है। हमने बताया कि इतने सारे सेंटर्स को फिर से बुक करना TCS के लिए बड़ा चैलेंज है। हम लोगों ने उनसे कहा है कि आप अपनी पूरी शक्ति से फिर से वही सेंटर्स करिए, और जैसे ही हमें वो डेट देते हैं हमारा अनुमान है कि मुश्किल से एक महीना लगना चाहिए और नेक्स्ट डेट आ जाएगी। जून में एग्जाम हो जाएगा या फिर जुलाई पहुंचेगी, जुलाई में डेट था। तो अभी महीना भर नहीं रहा है, 5 ही दिन रह गए हैं, लेकिन हमारा अनुमान है कि हम लोग एक महीने में ये एग्जाम करा देंगे। अच्छा, तो क्या सर एक महीने बाद एग्जाम होगा, एक महीने में जैसा